सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आज हम लोग दो चर रैखिक समीकरण के कुछ सवाल पढ़ेंगे और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट एक्सरसाइज से है। ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और वैसे भी बोर्ड के एग्जाम में वही सवाल पूछे जाएंगे जो आपके लास्ट एक्सरसाइज से दिए रहते हैं, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से ना बहुत इजी सवाल होते हैं, लास्ट में ही तब सवाल लेते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। और वीडियो में सवाल जो आपका है इसमें दिया गया दो महिला और वो पांच पुरुष मिलकर एक काम को चार दिन में करते हैं। दो महिला कितने दिन कर रहे हैं? दो महिला और पांच पुरुष मिलकर किसी काम को चार दिन में करते हैं और तीन महिला छह पुरुष मिलकर उसी काम को तीन दिन करते हैं। दोनों का अलग अलग कंडीशन है ना। अब देखिए सवाल सिर्फ लिखिए, अब जो पूछेगा वही मान लेंगे। तो अकेले अकेले करने में लगा समय कितना लगेगा, महिला को कितना लगेगा अकेले समय और पुरुष को कितना समय लगेगा। अब सात का दिया गया है तो मान लीजिए, माना महिला को लगने वाला समय महिला द्वारा लगा समय बराबर मान लेंगे कितना समय लग रहा है, यक्ष समय लग रहा है। कितना दिन लग रहा है? यक्ष दिन लग रहा है। अगर किसी काम और समय में एक कॉमन डिफरेंस है, काम जो होता है वो समय का प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को दो दिन में कर रहे हैं, किसी काम को कितने दिन कर रहे हैं? दो दिन। अगर समय दो दिन है तो आप समय दो दिन है तो काम अगर एक दिन में पूछेगा तो एक दिन में कितना करेंगे? बटे दो, आधा करेंगे। समय का और काम का प्रपोर्शनल रहता है। अगर महिला द्वारा लगा समय यक्ष दिन है तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी? एक महिला एक दिन में किया गया काम बराबर हो जाएगा एक बटे यक्ष। ये नीचे चलाएगा एक बटे यक्ष काम आ जाएगा। एक बटे यक्ष मतलब जैसे अगर आप किसी काम को दो दिनों में कर रहे हैं, किसी काम कितने दिन करें? दो दिन में। अगर उसका कहेंगे तो आप एक दिन में कितना करेंगे? कोई काम दो दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में उसका आधा करके एक बटे दो ही करेंगे ना, तो वो आपका जो दो होता है वो नीचे चला। अगर किसी काम को तीन दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक बटे तीन काम करेंगे। जैसे कोई काम है इसको तीन दिनों में कर ले जाते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन, तो एक दिन में कितना करेंगे? ये एक काम करेंगे, दूसरा दिन ये काम और तीसरे दिन ये काम। उसी प्रकार आपका अगर कोई यक्ष दिन में काम कर रहा है तो एक महीने एक दिन में किया गया काम कितना होगा? एक बटे यक्ष हो गया, ठीक है। और पुरुष का अगर कहेगा तो मान लीजिए इसी प्रकार, अच्छा एक दिन में एक बटे यक्ष काम कर रहा है लेकिन कितनी महिला है? एक। अगर दो महिला हो जाए, दो महिला के लिए कितना समय लगेगा? दो महिला के लिए हो जाएगा दो बटे यक्ष काम करेंगे। दो दिनों दो दो महिला एक दिन में कितना काम करेंगी? दो बटे यक्ष काम करेंगी। उसी प्रकार कह रहे हैं पुरुष क्या कर रहा है? आपका पुरुष काम को कर रहा है तो मानेंगे पुरुष द्वारा लगा समय समय बराबर हो जाएगा कितना? आपका पुरुष द्वारा लगा समय वाई माने है, वाई दिन लगा है, ठीक है। अगर वाई दिन लग रहा है तो एक पुरुष को मतलब एक आदमी को एक दिन में कितना काम करेगा? आप इसको भी कहेंगे एक बटे वाई काम, एक बटे वाई काम करेगा। समय का प्रोपोर्शनल काम होता है, काम का प्रोपोर्शनल समय। अगर समय में यहाँ लेके जाएंगे काम नीचे आ जाएगा और काम यहाँ रहेगा तो समय नीचे रहेगा। एक दिन में कितना करेगा? एक बटे वाई काम। तो पांच पुरुष है कितना काम करेंगे? तो पांच पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? पांच बटे वाई काम करेंगे ना? अब देखिए ये दो बटे यक्ष और ये पांच बटे वाई काम कर रहे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, दो बटे यक्ष और पांच बटे वाई क्यों जोड़ा गया? क्योंकि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। अगर साथ में काम करेंगे तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। साथ में काम करने को क्या हो रहे हैं? दोनों को जोड़ दिया जाएगा। वो कुछ काम कर रहा है, वो भी कुछ काम कर रहा है। महिला अगर इतना काम कर रही है तो पुरुष भी इतने काम कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ है। तो देखिए यही हुआ, ये दो बटे यक्ष काम किया, ये पांच बटे वाई काम किया, दोनों को जोड़ देंगे और समय कितना लग रहा है पहले जोड़ देखिए। अगर किसी काम को करने में चार दिन लग रहा है, किसी काम को करने में कितना दिन लग रहा है? चार दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? ये एक बटे चार काम होगा। एक दिन में एक बटे चार काम होगा, तो यहाँ आ जाएगा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? एक बटे चार। ये आपका पहला समीकरण हो गया, कितना हो गया? समीकरण नंबर एक कह दीजिए, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार आप दूसरा समीकरण बना लीजिए,
ये पहला शर्त था आपका, तो आपने पहले शर्त में जो पहली लाइन की शर्त कंडीशन थी वो आपका बन गया। फिर ये अब दूसरी शर्त का देखिए, दूसरे लाइन के लिए क्या कंडीशन आपको दे रहा है, तीन महिला, तो महिला एक बटे यस का दे, तीन महिला मतलब तीन बटे यस, तीन बटे यस हो गया, और छह पुरुष तो हो गया कितना, छह बटे वाई बराबर कितना समय लग रहा है, तीन दिन। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा एक बटे तीन दूसरे शर्त से, ये दूसरे शर्त से था वही कंडीशन जिसमें भी होगा, अगर तीन महिला एक दिन एक महिला एक दिन एक बटे एक्स कर रही है तो तीन महिला कितने दिन करेगी, तीन बटे एक्स आ जाएगा। फिर आप एक पुरुष एक दिन में वाई काम कर रहा है तो एक पुरुष एक दिन में एक बटे वाई काम करेगा, या आपका उसी प्रकार जहाँ तीन महिला था तीन या तीन बटे एक्स और छह पुरुष थे छह बटे वाई हो गया, दोनों मिला के एक बटे तीन काम करेंगे, कितना काम करेंगे एक बटे तीन काम, क्योंकि वो पूरे काम को तीन दिनों में कर दे रहे थे, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि देखिए यहाँ पे तीन बटे यक से, यहाँ आप चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या कहेंगे, दो मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप इधर गुणा कर, आप एक बटे यक्ष को मान लीजिए ए है, क्या है एक बटे यक्ष बराबर क्या क्या ए, और एक बटे वाई बराबर मान लीजिए क्या है बी, कल यही आपको पिछले टॉप वीडियो में लोग यही पढ़े हैं कि एक बटे यक्ष को मानेंगे ए और एक बटे वाई को मान लेंगे क्या है बी है, तो समीकरण एक में रखेंगे जब तो हो जाएगा क्या है ये टू ए, समीकरण एक एवं दो में रखने पर, एक एवं दो में ए एवं बी रखने पर, अब देखिए ए एवं बी रखेंगे तो हो जाएगा ये टू ए और बी वाई एक बटे वाई को मान क्या है बी, तो हो गया ये प्लस फाइव बी बराबर आ जाएगा एक बटे चार, ये हो गया समीकरण एक से बन गया है, इसको कह दीजिए समीकरण नंबर तीन है ये। फिर दूसरा देखिए यहां रखेंगे एक बटे आठ दूसरे समीकरण में, तो आ जाएगा ये थ्री ए प्लस ये हो गया सिक्स बी बराबर आ गया एक बटे तीन, ये हो गया समीकरण नंबर चार कर दीजिए। यहां देखिए यहां टू ए यहां थ्री ए है, तो दोनों में अगर इसमें दो से गुणा कर दे कितने, सॉरी इसमें तीन से गुणा कर दे और इस समीकरण में दो से गुणा करें तो दोनों का युग्म क्या हो जाएगा, पहले ए का टर्म क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, जब इसमें तीन से गुणा करेंगे आ जाएगा सिक्स ए तीन बटे पंद्रह बी बराबर आ गया तीन बटे चार, हो गया। फिर इसमें जब दो से गुणा करेंगे सिक्स ए प्लस दो छह बारह बी बराबर दो बटे तीन, हो गया दूसरा। अब देखिए अगर इन दोनों को प्लस प्लस में है, जब समान चिन्ह रहता है तो घटा दिया जाएगा, जब विपरीत चिन्ह रहेंगे तो जोड़ दिया जाएगा, ये घटाएंगे तो ये माइनस, अब ये भी माइनस, तीनों माइनस हो गया। ये पहला सिक्स है सिक्स से कट गया, पंद्रह बी में से बारह बी घटा देंगे आ जाएगा आपका थ्री बी, और तीन बटे चार में से दो बटे तीन घटा दीजिए, कितना घटाना है तीन बटे चार माइनस में दो बटे तीन, तीन त्रिका ना चार दुनिया आठ एक बटे बारह, कितना आ गया एक बटे बारह आ गया। यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी कितना, बी बराबर आ गया एक बटे छत्तीस, बी की वैल्यू कितना आ गया एक बटे छत्तीस आ गया, और हम बी बराबर कितना माने हैं एक बटे वाई है, बी बराबर माने एक बटे वाई, तो यहां से आ जाएगा एक बटे छत्तीस बराबर है एक बटे वाई के, यहां से वाई की गुणा करेंगे वाई बराबर आ जाएगा कितना, वाई की वैल्यू आ गई कितना है छत्तीस है, वाई किसकी माने समझो, वाई पुरुष की थी, पुरुष कितने दिनों में काम करेगा उसे अकेले छत्तीस दिनों में करेगा। उसी प्रकार बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी सॉरी बी बराबर एक बटे छत्तीस है, ए की वैल्यू निकालिए, ए बराबर क्या है थ्री ए प्लस सिक्स बी बराबर, चाहे इसे कर दीजिए चाहे दोनों में चाहे किसी में रख दीजिए, हम मान लो इसमें रख रहे हैं टू सॉरी थ्री ए प्लस सिक्स बी, ए गुणे बी की वैल्यू एक बटे छत्तीस बराबर है एक बटे तीन, हो गया छह के छत्तीस छह आ गया, तो यहां से आ गया थ्री ए बराबर आ गया एक बटे तीन माइनस में एक बटे छह, यहां से आएगा छह छत्तीस कटेगा एक बटे छह आएगा एक बटे छह इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए छह का गुणा एक में किए छह के छह, तीन का गुणा एक में किए तीन एक के तीन छत्तीस का अठारह, घटाएंगे तो तीन बटे अठारह और तीन एक के तीन तीन अठारह एक बटे छह आ गया, तो यहां से आया थ्री ए बराबर एक बटे छह, तो ए बराबर आ जाएगा आपका एक बटे अठारह, ए की वैल्यू कितना आ गया ए बटे अठारह, तो अगर ए की वैल्यू यहाँ देखिए यहाँ ए बराबर आ गया एक बटे अठारह, और जबकि ए बराबर माने एक बटे यक्ष, यक्ष की तुलना करेंगे यक्ष बराबर आ गया कितना अठारह दिनों में करेगा,
ये एक्स कितने दिनों में करेगा उस सवाल को, 18 दिनों में करेगा। ठीक है, पहले मान लेंगे यक्ष द्वारा लगा समय यक्ष दिन है, तो एक महिला एक दिन मतलब सॉरी महिला द्वारा लगा समय कितना यक्ष दिन है, तो एक महिला एक दिन में एक बट यक्ष काम करेगा, क्योंकि काम और समय का पूरा उल्टा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो दो महिला कितना काम करेगा, दो बट यक्ष करेगा ना। तो फिर पुरुष द्वारा लगा समय वाई दिन है, तो एक पुरुष एक दिन में एक बट वाई काम करेगा, तो पांच दिन पांच पुरुष है तो पांच बट वाई काम करेंगे। फिर देखिए अब हो गई है टू एक्स प्लस पांच वाई, दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि एक दिन में दोनों के द्वारा एक दिन ये काम करेगा, दोनों जोड़ने द्वारा कितना समय लगेगा वो बराबर हो जाएगा एक बटे चार काम करेंगे। जैसे पांच पुरुष इधर से काम करेंगे, महिला इधर से काम करेंगे, तो कितना काम होगा एक बटे चार काम होगा, क्योंकि पूरा काम होने में चार दिन लग रहा है। अगर किसी काम को पूरा होने में चार दिन लग रहा है तो एक दिन में किया गया काम एक बटे चार होगा, किया गया एक बटे चार हो गया। फिर उसी प्रकार आप इस दूसरे वाले शर्त को मानेंगे कि तीन महिला छह पुरुष तीन बटे यक्ष प्लस सिक्स वाई बराबर एक बटे तीन, तीन उड़ाते एक बटे तीन, तो दोनों समीकरण में एक बटे यक्ष बराबर मान लेंगे ए, एक बटे वाई बराबर मान लेंगे बी, समीकरण एक समीकरण दो, तो आपका यहाँ से ए और बी इसमें सॉल्व हो जाएगा, ए की वैल्यू निकलेगी, फिर यक्ष और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। इसको अब देखिए कुछ दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, कुछ ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, जैसे इसी तरीके से आपको ऑप्शन मतलब अगर आपको ऑप्शनल सवाल देगा तब कैसे लगाएंगे, कंपटीशन से कैसा आता है। देखिए मैं भी बहुत कंपटीशन पढ़ा, इसलिए बहुत ट्रिक बताता हूँ। खैर देखिए अच्छा ट्रिक, दो महिला पांच पुरुष, मान लेंगे महिला को डब्लू, महिला क्या मान लेंगे डब्लू, दो डब्लू पांच पुरुष मतलब पांच यम, पांच पुरुष ना बराबर कितने चार दिनों में काम कर रहे हैं। तो अगर कोई काम जैसे एक काम इतना बड़ा किया गया इसको चार दिनों में किया जा रहा है, मतलब एक दिन में ये अगले दिन ये अगले दिन अगले दिन समय से किया जा रहा है, तो चार दिनों में हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा एक बटे चार, ये हो गया बराबर मान लेंगे एक बटे चार है, एक समीकरण कर दीजिए इसको। फिर दूसरा कर दिए तीन यम प्लस सिक्स डब्ल्यू सॉरी तीन डब्ल्यू प्लस सिक्स यम बराबर हो गया एक बटे तीन, ये कह दिए समीकरण नंबर दो। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ तीन दो उसमें वहां देखिए लास्ट में आया था आपका यहाँ पे सवाल का क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे पहले आ गया। इसमें क्या करिए दो तीन से गुणा इसमें कर दीजिए, दो से गुणा इसमें कर दीजिए, यहाँ तीन से गुणा करेंगे तो सिक्स एम डब्ल्यू प्लस पांच पंद्रह एम बराबर तीन बटे चार, ये पहला तीसरा समीकरण हो गया। यहाँ दो से गुणा के सिक्स डब्ल्यू प्लस तीन दुनी सॉरी छह दुनी बारह एम बराबर आगे छह सॉरी दो बटे छह दो बटे तीन समीकरण नंबर चार। अब देखिए यहाँ सी डब्ल्यू घटाने पे घटा जाएगा, घटा दीजिए यहाँ से ये कट गया, पता पंद्रह में से बारह घटा कितना आ गया तीन यम बराबर आ गया तीन बटे चार में से दो बटे तीन घटा दीजिए, तीन बटे चार में दो बटे तीन घटा दीजिए, तीन त्रिका ना चार दुनिया मतलब आ गया तीन त्रिका ना चार दुनिया बटे बारह एक बटे बारह आ जाएगा, तीन यम बराबर आ गया एक बटे बारह, दुम बराबर आ गया तीन का उड़ा जाएगा एक बटे छत्तीस, मतलब तीन ही चलाया तो पुरुष कितना दिन कर रहा है एक बटे छत्तीस, मतलब एक दिन में किया गया भाग कितना उसका एक बटे छत्तीस भाग काम करेगा वो, अगर एक पुरुष एक दिन में एक बटे छत्तीस भाग कर रहा है तो वह पूरा काम को अकेले जो है वो इसी का उल्टा करेगा, क्योंकि हमें पता है काम जो होता है समय का उल्टा होता है। ठीक है, जितना समय का उसी का उल्टा होगा, अगर वो एक बटे छत्तीस भाग कर रहा है एक दिन में तो समय हो जाएगा उसका छत्तीस दिन, कितना दिन लगेगा छत्तीस दिन हो जाएगा। और दूसरा क्या कर रहा है, अगर यम की वैल्यू आ गई एक बटे छत्तीस रख दीजिए समीकरण में, यहाँ तो क्या टू डब्ल्यू बराबर पांच, यहाँ रखिए पांच पूरे छत्तीस का मान है एक बटे छत्तीस बराबर आ गया एक बटे चार। अब देखिए दो डब्ल्यू बराबर आ गया एक बटे चार माइनस पांच बटे छत्तीस न, दोनों का एलसीएम ले लीजिए छत्तीस चार नौ छत्तीस नौ छत्तीस पांच बटे छत्तीस आगे कितना चार बटे छत्तीस आगे चार एक चार चार नौ छत्तीस एक बटे नौ, मतलब दो डब्ल्यू बराबर आ गया एक बटे नौ, एक डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा एक बटे अठारह, महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है एक बटे अठारह भाग है, पूरा काम करने में उसे कितना समय लगेगा अठारह दिन लगेगा। ठीक है, यह आपका शॉर्ट तरीका है, आप दो घात का समीकरण सॉरी दो तक रैखिक समीकरण से इसको सॉल्व करिए, यहाँ से यम और एम की वैल्यू मान लीजिए वही उसी को उल्टा कर देगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं दूसरे, देखिए ये रेलगाड़ी का मध्य सवाल है, रेलगाड़ी और बस की चाल और समय दूरी का मापदंड यूज होगा, उसमें थोड़ा सा क्या देखना है पहले वो देख लो, दूरी 300 किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए ट्रेन और बस से दूरी तय करते हैं, मतलब वो लॉकडाउन नहीं खाते उसे घर जाना,
जहाँ है कहाँ पे है, यहाँ पे है और उसका घर कहाँ है, यहाँ है। अगर वो घर अपने जाने के लिए जिसकी दूरी दी गई है कितनी दूरी है, 300 किलोमीटर टोटल दूरी है, उसमें कह रहा है कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी बस से जा रही है। पहला कंडीशन है अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेन से चली जाए, किससे चली जाए, ट्रेन से। अगर ये ट्रेन से है तो बाकी बची दूरी कितना होगा, 300 में से घटा देंगे 60, बचेगा कितना, 240 किलोमीटर, वो किससे जाएगी, बस से। क्योंकि जब बस हमें देखा है 60 जा रहे हैं पहले ट्रेन से, उसके बाद 240 जो बचे रही है वो जा रहा है बस से। तब इस कंडीशन से लग रहा है आपका 4 घंटे, कितना समय लग रहा है, 4 घंटे पहला हो गया। फिर दूसरी स्थिति दे रही है यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से चली जाए, मतलब यहाँ से आता है कितनी बड़ी दूरी है, यहाँ दूरी खड़ी है, यहाँ उसका घर है, ये दूरी दूरी 300 है, जिसमें से पहली 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से जा रही है, किससे जा रही है, ट्रेन से। तो बची कितनी दूरी है, ये बचा हुआ दूरी कितना है, 200 किलोमीटर ही होगा ना, क्योंकि वो पूरी दूरी 300 है, तो 300 में से 100 घटा देंगे, मतलब 200 किलोमीटर, और ये जा रही है किससे, बस से जा रही है। तब जो समय है वो ज्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 मिनट अधिक लग रहा है, मतलब ये 4 घंटा, 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 4 घंटे प्लस 10 मिनट, ये समय लग रहा है। अगर मिनट को घंटे बदले मतलब 10/60 घंटा, 10/60 घंटा, 60 घंटे, ये हो गया 1/6 घंटे लग रहा है ना, तो 4 सही 1/6 घंटे लगेंगे, इसको 24/6 कितना समय लग रहा है, 25/6 घंटे समय लगेंगे दोबारा कंडीशन में। ये पहला शर्त हो गया, ये दूसरा शर्त हो गया। अब देखिए लगाएंगे कैसे, जो माँ जो पूछेगा वही मान लेंगे, हमसे पूछा है ट्रेन और बस की चाल बताइए किस चाल से वो लोग जा रहे हैं। मान लिया कि ट्रेन है, माना चाल ट्रेन की चाल कितनी है, माना ट्रेन की चाल जो है हमारी, ट्रेन की चाल यक्स है, चाल बराबर है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन कितने की स्पीड जा रहे हैं, यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की। और बस की चाल मान लेंगे, बस की चाल बराबर हो जाएगा वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका दोनों को दे दिया गया। अब देखिए फिर कह रहा है पहले कंडीशन देखिए, बस 60 किलोमीटर दूरी, हमें फॉर्मूला पता है, समय बराबर चाल दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला आपका है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये आपका हो गया। पहला दे रहा है दूरी कितना है 60 किलोमीटर, कितनी दूरी है 60 किलोमीटर, और चाल आपका दिया गया है यक्स, तो गया कितना यक्स, और ये बराबर समय कितना लग, ये हो गया पहला। और फिर कह रहा है बाकी जो शेष दूरी है वो चार, शेष दूरी बस से, तो शेष दूरी कितना है, शेष जो है दूरी वो कितना है 240 किलोमीटर है, उसको किससे रफ्तार से तय कर रहा है, वो बस की रफ्तार से, बस की रफ्तार कितना हमारा वाई है, ये हो गया वाई, ये ना। अब देखिए ये हो गया वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए किलोमीटर किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर करके ये घंटा बचा, यहाँ पे भी घंटा बचा, और ये बराबर दोनों मिला के कुल कितना समय लग रहा था, 4 घंटे लग रहा था, ये बराबर हो गया 4 घंटे ना, 4 आवर। अब देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, 60/x + 240/y बराबर 40 समीकरण आपको मिल जाएगा ना। अगर इसमें थोड़ा सा कंडीशन करिए, चार से भाग कर दे तो 4 × 4 = 60, 15 × 60 दोनों तरफ भाग करेंगे कोई वैल्यू बदलेगा नहीं, 60 भाग करेंगे तो आ जाएगा 1/x हो गया, जब 240 में 60 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1/4/y, क्योंकि 60 × 2 = 240, 6 × 2 = 24 होता है, तो ये हो गया 4/60, 4/60 मतलब 1/15 ना। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, इसको थोड़ी इसको मानिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन आपका जो दे रहा है दूसरी शर्त के लिए, ये पहले शर्त का था, पहले शर्त का था, तो दूसरे सेकंड टर्म में आपका हो रहा है क्या, कि वह जो है दूरी 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो हो जाएगा 100/x, दूरी बराबर होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे समय हमारा है कितना, समय सॉरी समय में निकालना है, क्या निकालना है, समय ही निकालना है,
तो पहले के लिए समय लगेगा दूरी बटे चाल, दूरी 100 किलोमीटर बटे चाल यक्स है, क्योंकि जब ट्रेन से चल रहा है तो ट्रेन से चली गई दूरी यक्स 100 है और चाल है यक्स, दूरी बटे चाल हो गया 100 बटे यक्स। फिर उसके बाद जो शेष दूरी हो बस से है, शेष दूरी जो बची कितनी, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है तो शेष दूरी जो बची है 200, ये 200 किलोमीटर किससे चला जाएगा, बस से। तब कितना समय लग रहा है, 4 घंटे में 10 मिनट अधिक लग रहा है, मतलब 25/6 घंटे लग रहे हैं, कितना समय लग रहा है हमारा, 25/6 घंटे ना। अब यहाँ से दोनों देख लीजिए, यहाँ से 25/6 घंटे यहाँ, अब देखिए हमारा यहाँ भी किलोमीटर होगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किलोमीटर ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे होता है, फिर दूरी किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, फिर ये आपका घंटा, यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, यहाँ से घंटा हर जगह से 1 घंटे घंटे से कट जाएगा। देखिए अब बताया क्या, 100/1 यहाँ पे 200/y प्लस 25/6 है, अगर हम लोग 100 से भाग कर दें, पूरे समीकरण में क्या करें, 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा यक्स 1/x, ध्यान दीजिए 100 से भाग करने पर, किससे भाग करने पर, 100 से भाग करने पर, देखिए 100 से भाग किए तो ये 100 कर गया बताए 1/x, यहाँ 200 में जब 100 से भाग करेंगे 2/y, यहाँ 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25/6 × 100, ऐसे नीचे आ जाएगा 25 × 25 तो ऊपर 104 आगे, मतलब आगे 1/24 आ गया ना, 6 × 24, यहाँ से देखिए 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना है, 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में पहला यक्ष का गुणांक क्या है, बराबर है, यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में से क्या घटाएंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे, इधर समीकरण 1 है 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15, ये पहला समीकरण है, इसमें से घटाना क्या है, 1/x प्लस 2/y बराबर आपको घटाना है 1/24, ये हो गया। अब इसको अगर घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, 1/x से 1/x कट गया, 4/y में से 4/y माइनस 2/y बराबर 1/15 माइनस में 1/24, ये हो गया। अब देखिए y y दोनों का हर बराबर है, ऊपर वाला घटा दे, 4 में से 2 घटाएंगे 2/y बराबर आ गया 15 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 120 आएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा 120, जब तीन पूरा कर लीजिए 24 × 15 = 90 = 8 आएगा 15 × 120 = 8 आ गया, 24 का पहला पड़े कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, 24×5 = 120 आएगा। अब 8 में से 5 घटाने कितना जाएगा हमारा, 3/120 आ गया, 3×1 = 3, 3×2 = 12, 1/40 आ गया, मतलब कितना आ गया 2/y बराबर 1/40, तो 2 से इधर गुणा कर दिया, 2/y बराबर 1/40, 40 × 2 = 40×80, y × 1 = y, मतलब y की वैल्यू कितना आ गया, 80 किलोमीटर आ गया, y हम लोग क्या माने हैं, ये चाल माने हैं, y की वैल्यू आ गई 80, ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी रफ्तार है वो ट्रेन सॉरी बस की रफ्तार है। अब y की वैल्यू इसी समीकरण में रख दीजिए, यहाँ रखेंगे हो गया ये 1/x प्लस 4/80 y की वैल्यू हो गई बराबर 1/15, यहाँ से आ जाएगा फिर 1/x बराबर हो गया 1/15 और ये 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 80 ना, तो गया 1/20 इधर जाकर घटा देंगे 1/20, अब 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 × 2 = 60, 20 × 60 मतलब 4 + 3 = 1/60, 1/x बराबर है 1/60 के, 7 × 1 = 60 आ गया और 1 × 1 = 60 की वैल्यू आ गई कितना 60 आ गया, मतलब हमारा उसका ट्रेन की रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आपका बस की रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।